श्रद्धालुओं के भारी उत्साह और भगवान नारायण के जयकारों के बीच रविवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। इसके साथ ही चारधाम यात्रा पूर्ण स्वरूप में आ गई। तीन अन्य धाम गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट भी 10 मई को खोले जा चुके हैं। कपाट खुलने पर बद्रीनाथ धाम में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर हुई। पहले दिन 20,000 से अधिक भक्तों ने पूजा अर्चना की। परंपरा के अनुसार जोशीमठ से 25 किलोमीटर दूर सुंभाई गांव तपोवन में स्थित भविष्य बद्री धाम और उर्गम घाटी में स्थित वंशी नारायण के कपाट भी बद्रीनाथ धाम के साथ खोल दिए गए। आर्मी बैंड और पीआरडी के ढोल नगाड़ों की धुन के बीच बद्रीनाथ धाम के कपाट सुबह 6 बजे खोल दिए गए थे। कपाटोद्यान की प्रक्रिया मंदिर के मुख्य पुजारी रावलीश्वर प्रसाद नंबूदरी, धर्मधाधिकारी राधाकृष्ण थपलियाल, वेदपाठी हकूकधारी मंदिर समिति के पदाधिकारी और श्रद्धालुओं की मौजूदगी में सुबह 4 बजे शुरू हो गई थी। सबसे पहले मंदिर में देवताओं की खजांची कुबेर जी, भगवान नारायण के सखा उद्धव जी और गाड़ू घड़ा को मंदिर में प्रवेश कराया गया। गर्भगृह के कपाट खोलते ही अखंड ज्योति के दर्शन के बाद महालक्ष्मी को उनके मंदिर में विराजमान किया गया। इसके साथ ही कुबेर जी और उद्धव जी को यथास्थान विराजित किया गया। अभिषेक के बाद भगवान को बाल भोग और खीर भोग अर्पित किया गया। दोपहर 12 बजे भगवान बद्री विशाल को प्रत्येक दिन लगने वाला राजभोग दाल और चावल के रूप में अर्पित किया गया और फिर उसे प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को दिया गया। इसके साक्षी बनने के लिए शनिवार शाम ही 5,000 से अधिक तीर्थयात्री धाम पहुंच चुके थे। इसके अलावा 15,000 से अधिक तीर्थयात्री विभिन्न पड़ावों पर मौजूद थे, जो सुबह होते ही धाम के लिए चल पड़े। कपाट खुलते ही बद्रीशपुरी नारायण के जयकारों से गूंज उठी। फेक न्यूज के जमाने में सतर्क रहिए, सही और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।